कलेक्टर ऋषभ गुप्ता ने बागली विकास खंड में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, ग्रामीण विकास तथा जिला योजना के निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान बागली विकास खंड में संतोषजनक कार्य नहीं करने वाले अधिकारी कर्मचारियों पर हुई कार्यवाही, योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही पर एक की सेवा समाप्ति एवं दो को निलंबित तथा एक अधिकारी को शोकज नोटिस, कार्य में लापरवाही बरतने पर 6 अधिकारी कर्मचारियों का वेतन रोकने के दिए निर्देश कलेक्टर ऋषभ गुप्ता के लिए समीक्षा बैठक बुधवार को जनपद पंचायत सभागृह बागली में देर रात्रि तक ली गई। बैठक में सीईओ जिला पंचायत प्रकाश चौहान, एसडीएम बागली शोभाराम सोलंकी, ईईपीएचई एनएस भिड़े सहित विकासखंड स्तरीय अधिकारी उपस्थित है। बैठक में नल जल योजना की पेयजल परियोजनाओं की समीक्षा की गई। जल जीवन मिशन के कार्यों में लापरवाही बरतने पर डिविजनल इंजीनियर बीएम गुप्ता पर कार्यवाही के निर्देश दिए तथा पीएचई के मैकेनिकल अनुभाग की सहायक यंत्री सुश्री करिश्मा श्रीवास्तव पर भी कार्यवाही के निर्देश दिए गए। बागली से रवि पाटीदार की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।